देश में कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। करसोग में तुरंत प्रभाव से बड़े धार्मिक आयोजनों, सत्संग, जागरण, भागवत कथा, भंडारों पर रोक लग गई है, जिसके अतिरिक्त जिम, कंप्यूटर व मसाज सेंटर भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर जारी सरकार की एडवाइजरी पर एहतियातन ये कदम उठाए हैं। SDM ने करसोग के सभी कंप्यूटर सेंटर, मसाज सेंटर, सत्संग, भंडारे या ऐसे आयोजन जहां भीड़ एकत्रित होती है उसको आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। SDM ने अस्पताल के सभी डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर व सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को इस वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की सख्ती से पालना करने के निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, आशा वर्करों को भी पंचायत प्रतिनिधियों व जनता को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बचाव के सभी प्रतिबंध किए हैं। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ विभिन्न एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए सरकार के आदेशों के अनुसार करसोग सब डिवीजन में भी यहाँ पर सारे हमारे जिम, मसाज सेंटर, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर और गांव में होने वाले बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि सत्संग, भागवत, जागरण, सभी पर पाबंदी लगाई गई है। 31 मार्च तक सरकार के आदेश के बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं और कोरोना वायरस के इस भय जो माहौल है इससे लोग घबराए नहीं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपने हाथ अच्छे से धोए और यदि कोई ऐसे बुखार और खांसी वाले सिम्टम है तो नज़दीक के अस्पताल में आप चेकअप करवाए। तो ये सारे जो मेजर्स है ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और इसीलिए अपनाए गए, इन्फोर्स किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई ऐसा भी, कोई एक भी केस ऐसा ना पाया जाए। करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।